नमस्कार, योग इन स्पोर्ट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक अच्छे खिलाड़ी के लिए जरूरी है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहे और हमेशा ध्यान रखे कि वह स्वस्थ रहे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी केवल उनके स्वास्थ्य के कारण खेल से बाहर हो जाते हैं और वो अपना करियर खत्म होते देखते हैं। योग इन स्पोर्ट्स कार्यक्रम इसी परिप्रेक्ष्य में योग के कुछ ऐसे अभ्यास लेकर आया है जिनको करके खिलाड़ी पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेल के प्रति वो समय दे सकता है। तो आज का जो हमारा अभ्यास है उसको अगर हम करेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट्स होंगे। इसका नाम है अष्टवक्रासन। अष्टवक्रासन भी एक ऐसा अभ्यास है जिसको करने से हमारे पैर और हाथ बहुत मजबूत होते हैं, साथ ही इसको करने से हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो बहुत ही अच्छा और मजबूत होता है। तो आइए सीखते हैं इस अभ्यास को, किस तरह से इसको हम करते हैं ये भी हम देखेंगे। इसके लिए हम जमीन पर बैठ जाएंगे, पैरों को सीधा कर लें इस तरह से। अब यहाँ पर पैरों को अपने साइड में लेकर जाएंगे एक एक करके और दाएं पैर को बाएं पैर बाएं में इस तरह से फंसा लेंगे और हमारे राइट हैंड को दोनों पैरों के बीच में से नीचे लेकर जाएंगे। यहाँ पर हमारी कोहनी को हमारी जंघा के बिल्कुल बीचों बीच में रखने की कोशिश करेंगे दाईं तरफ इस तरह से, और पैरों को इस तरह से उठा लेंगे। जब हम स्थिति में आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पूरे शरीर का वजन हमारे हाथों पर आ जाता है और हाथों की हथेलियाँ बहुत मजबूत हो रही हैं, इससे मेरे हाथ ताकतवर बन रहे हैं, साथ ही मेरे पैर की मांसपेशियों का भी पूरा व्यायाम मैं इससे प्राप्त कर रहा हूँ। कुछ देर तक आप इसमें रुके रहें, रुकने के बाद धीरे 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 वापस आ जाएंगे और इसी अभ्यास को आप अपने दूसरी तरफ से भी जरूर दोहराएं। हमने देखा कि इस आसन को करने से हमारे हाथों का पूरा व्यायाम हो रहा था, साथ ही हमारे पैरों को भी इससे व्यायाम मिल रहा था। तो हाथों से खेले जाने वाले गेम जितने भी हैं, जैसे कि जेवलिन थ्रो है या गोला फेंक है, इसके अलावा गोल्फ है या क्रिकेट में भी हम हाथों का बहुत उपयोग होता है, इसके अलावा आप तीरंदाजी में भी इसका उपयोग देखते हैं, आप टेनिस के अंदर इसका उपयोग देखते हैं, तो ये जितने भी खेल हैं और इनके खिलाड़ी अगर इस आसन का अभ्यास करेंगे तो उनकी खेल की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खिलाड़ी इसका अभ्यास ज़रूर करें और अपने खेल को इस अभ्यास के माध्यम से और अच्छा बनाएं। आज का योग स्वास्थ्य मंत्र है खिलाड़ियों के लिए स्वस्थ रहने के लिए, हलवा। हलवा खाएंगे आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। हलवा एक बहुत ही पोषक तत्वों से भरा हुआ आहार है और यह बहुत आसानी से पाचन क्रिया को भी सरल बना देता है। तो खिलाड़ी लोग अगर इसका सुबह नाश्ते के समय अगर हलवे का उपयोग करते हैं, हलवा बनाएं तो उसमें घी में ही उसको बनाना ज़्यादा उपयुक्त रहता है, और मोटा दलिया का हलवा बहुत अच्छा होता है, उसमें आप काजू बादाम डाल के बनाएंगे, आपके लिए बहुत सेहतमंद होगा। तो खिलाड़ियों के लिए ये एक आहार की सलाह है कि वो हलवा ज़रूर खाएं, इससे आपका पूरा पाचन अच्छा होता है और ये पूर्ण आहार में आता है। तो आप हलवा खाएं, स्वस्थ रहें।